हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हो सकता है आज लास्ट प्रोबेबली डे है मेरा स्टेशन मास्टर का, तो शुरुआत करते हैं अपने माता के आशीर्वाद से। पूरी की पूरी दिखाऊंगा कि क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। घर से निकल रहा हूँ, ये मेरा रूम है पूरा। आज हम जा रहे हैं अपने स्कूटी पे। सुबह से बारिश हो रही थी तो गाड़ी बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुई, आखिरकार फाइनली स्टार्ट हो ही गई। आज बारिश भी हो रही थी तो सोचा सब लोगों ने कि लाओ स्टेशन से ही चलते हैं, मतलब बाइक से ही चलते हैं स्टेशन। मैंने सोचा कि चलो, तो 2-2.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, स्कूटी से जाएंगे स्टेशन, स्टेशन से पकड़ेंगे अपनी ट्रेन, तो वहाँ से 20 किलोमीटर के आसपास वहाँ से स्टेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन, जहां पे मैं रहता हूं वो स्टेशन है। ये स्टेशन की बिल्डिंग है पूरी, अभी दिखाता हूं पूरा। ये देखो, ये बिल्कुल अभी बनी है, और ये वाला जो पोल दिख रहा है इस पर, मतलब जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग जो हर स्टेशन पे लगाने के लिए बोला है वो है। हम स्टेशन आ चुके हैं, स्टेशन पर आने के बाद पूरी बिल्डिंग है, आप देख लो। स्टेशन पर आने के बाद मेरी गाड़ी आ चुकी है प्लेटफॉर्म पर। ये छोड़ने आए थे लास्ट दिन स्टेशन पर, तो हम चल रहे हैं प्लेटफॉर्म की ओर। गाड़ी शायद आ चुकी है हमारी, हाँ गाड़ी आ चुकी है। इसी से जाऊंगा मैं अपने प्लेटफॉर्म, मतलब स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म नंबर 6 से जाएगी। बिल्डिंग मैं आपको दिखाई चुका अपनी। लास्ट दिन है अब मेरी जॉब का, ये समझ लो, मतलब जो एक तरीके से जो जॉब होगी, बाकी का स्टेशन पे तो आना जाना रहेगा ही, तो तरीके की जॉब होगी वो आज लास्ट दिन है। इसीलिए मतलब खुशी भी है और थोड़ा बहुत दुख भी हो रहा है। गाड़ी खड़ी है, कभी भी चली जाएगी, मैं थोड़ा सा लेट हूँ ऑलरेडी, थोड़ा जल्दी चलते हैं। और हमारे 2-4 जो मित्र हैं, साथी हैं, वो भी आ ही रहे होंगे, सबको दिखाऊंगा अगर आते हैं मिलते हैं तो। बाकी का जो भी आगे का प्रोसेस है पूरा, वो मैं स्टेशन पे दिखाऊंगा, पूरा का पूरा जो रिजाइनिंग है, कब से करनी है, क्या है। ये हम ट्रेन के पास आ चुके हैं, ट्रेन का इंजन भी हो गया स्टार्ट। अब मैं थोड़ी देर में चलो स्टेशन पे पहुंच गई, स्टेशन में पहुंच के ही पूरी की पूरी वो दिखाता हूँ जो भी उसका प्रोसेस है। आज मेरा स्टेशन का होने वाला है लास्ट दिन। आज मैं रिजाइन के लिए जा रहा हूँ, रिजाइन करने वाला हूँ। रिजाइन का पूरा प्रोसेस जो स्टेशन से होता है, स्टेशन के बाद इलाहाबाद में जाके जो होगा वो मैं पूरा बताऊंगा। ये हमारे एक स्टेशन के साथ ही आ रहे हैं, पता नहीं क्या झोला लेके आ रहे हैं हाथ में। भी अपने साथ में स्टेशन मास्टर हैं सचिन कुमार। तो ट्रेन है, ट्रेन चलने वाली है हमारी थोड़ी देर में, इसी ट्रेन से हम जाएंगे अपने स्टेशन। स्टेशन का पूरा जो भी ओवरव्यू है, जो भी उसका लेआउट है, वो मैं पूरा दिखाऊंगा। 8:40 का टाइम है, 8:40 ऑलरेडी हो गई, लेकिन अभी भी चालू नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी जल्दी। मौसम भी हो रहा है बहुत बढ़िया, बारिश भी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई, लेकिन ट्रेन स्टार्ट नहीं हो रही। एक मित्र हमारे उधर साइड में खड़े हैं, देख लें तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं देख रहे आस है। पुनीत भाई भी अभी आएंगे, ये अपने सचिन भाई है ही। एक हमारे चाचा हैं, वो चाचा आज गए हुए हैं बाहर, चाचा को हम ब्लॉग में ले नहीं पाएंगे, धार्मिक यात्रा मथुरा में गए घूमने। बाकी चले ये तो फिर दिखा। ये मुस्कुराते हुए हमारे एक और साथी आ रहे हैं, स्टेशन मास्टर हैं, लेकिन हैं ये एक्चुअली में पुनीत सुपरस्टार। हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और हमें लाइन क्लियर देते लेते रहते हैं, ट्रेनों की इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। पुनीत सुपरस्टार, एक बार वो या वो टैलेंट अभी मेरे पास नहीं है।
तो फाइनली हम ट्रेन में चढ़ चुके हैं और हमारी ट्रेन भी चलने लग गई है। हमारी ट्रेन स्टेशन से निकल गई है। स्टेशन का बोर्ड दिखेगा आपको, ध्यान से देखना मैं कहाँ रहता हूँ। तो स्टेशन का बोर्ड है, हमारी ट्रेन निकल चुकी है। अब हम पहुँच के फिर बताते हैं जब पहुँचेंगे वहाँ। यहाँ पे हम तीनों लोग बात कर रहे थे एक दूसरे से अपने उसकी कौन कहाँ है, पेपर वेपर जो भी है। और तभी एक सामने से ट्रेन आ रही थी, तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा था कि ट्रेन आ रही है और क्या बात चल रही है। तो ट्रेन को भी दिखाएंगे, देखो ट्रेन आ रही है सामने से। थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर एक दूसरे से डिस्कशन करें, फिर फ़ोन को मैं हटा लेता हूँ, फिर से ट्रेन को दिखाऊँगा। एक और थे चाचा, वो आज आए नहीं। और एक हमारा मित्र स्टेशन पर ही है देश, वो भी मैं दिखाऊंगा, बड़े बाबू के नाम से हम बोलते हैं उसे। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन, हमारा स्टेशन आ चुका है, स्टेशन पे उतरेंगे। स्टेशन से उतरने के बाद हम जाएंगे अपने ऑफिस। ये अपना स्टेशन है, ये गाड़ी है। ऑफिस ये देखो, उधर अपने वो खड़े हैं देवराज सिंह पॉइंट्समैन, चश्मा लगा के। अभी आएंगे ऑफिस में, तब दिखाएंगे। देखो ढट्टी हिला रहे हैं। ये आ गया अपना ऑफिस स्टेशन मास्टर का। ये अपने बड़े बाबू अवधेश सिंह अपने साथ के, ये हमारे सर हैं। ये ऑफिस है पूरा। सर हाय बोल दो फैंस को। ये अपने टेलीकॉम डिपार्टमेंट के हैं अंकल चौधरी साहब, हाय करो हाय। ये अपना बुकिंग का वो है ऑफिस। ये अपना पूरा स्टाफ है। ये अंकल है हमारे अंकल, लाइव तो कर दो। हाँ वीडियो कॉल चल रही है, वीडियो बन नहीं है, वीडियो कॉल ना चलते, वीडियो बन नहीं है। हाँ ये सचिन भाई है, ये बड़े बाबू अपने अवधेश भाई। ये ऑफिस है, अभी बैठेंगे ऑफिस पे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी कुर्सी पे। तो दिस इज़ माई फर्स्ट जॉब, दैट्स वाई ये सब चीज़ बनती है। एक इमोशन जुड़ा हुआ आता है, जो पहली नौकरी लगती है भाई उसकी बात ही अलग होती है। तो पहली नौकरी है, जब यहाँ से रिजाइन दे रहा था थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि इससे बेहतर जगह पर जा रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये पूरा का पूरा ऑफिस है, पूरे में चार्ट ही चार्ट होते हैं। ठीक, इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि हमें गाड़ियाँ वेव वगैरह कैसे करनी पड़ती हैं, गाड़ियों में देखना कैसे पड़ता है। फ्रेंड्स देखो, जैसे ही हम गाड़ियों में ऑल राइट सिग्नल बनाते हैं, इसको झंडा दिखाने का मतलब ऑल राइट सिग्नल होता है। जब पीछे को बताते हैं कि हमें झंडा दिखाना पड़ता है, तो वो थोड़ा ऐसे ही फील करता है। तो झंडा दिखाना नहीं होता, इसका मतलब होता है हमें गाड़ी को वॉच करना है कि उसमें कोई कमी तो नहीं है और ड्राइवर वगैरह सचेत है या नहीं है। तो फ्रेंड्स अपनी ड्यूटी हो चुकी थी ख़त्म और हम घर लोग जाने वाले थे सभी लोग। तो हमें घर जाने के लिए मिल गया टावर वैगन। टावर वैगन हमारे स्टेशन पे काम कर रहा था, तो वो अपनी साइड में आ रहा था। ये अपने सचिन भाई हैं, और जिनकी बात कर रहा था जो चाचा हैं वो ये हैं, जो मैं कह रहा था कि चाचा ऑफिस नहीं आए। तो ये पुरानी क्लिप है, मैंने चाचा को दिखाने के लिए इस वीडियो को ऐड कर दिया। ठीक, तो टावर वैगन मिला, तो टावर वैगन से हम घर जा रहे थे। तो ये वीडियो मैंने शूट करी थी बहुत स्पीड से। अलग अलग जो होती हैं TTM मशीन है, टावर वैगन है, जो काम करती हैं अपने स्टेशन पे या मेंटेनेंस का काम करती हैं, उन सबको देख लिया, एक अलग एक्सपीरियंस है। रेलवे के अंदर भी मैंने काम कर लिया। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी आप लोगों की ड्रीम हो उसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करो। ठीक, और मैं इसको रिजाइन करके क्या ज्वाइन करने वाला हूँ, सब लोगों का यही क्वेश्चन रहता है। तो उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है
उसको फॉलो करके रख लें, बहुत जल्दी उसकी वीडियो आएगी, उसकी भी ज्वाइनिंग आने वाली है, आ गई है ऑलमोस्ट, उसको भी ज्वाइन करने वाले हैं। तब तक आप इस चीज़ का मज़ा लो, और जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाने वाले हो उसके लिए बहुत मेहनत करो, ठीक। तो मैं यही बोलने वाला हूँ, तो अपना यही था, ये मैंने दिखा दिया आपको। अब थोड़ी सी क्लिप बची है जो मैं जाने की दिखाऊंगा, ठीक है, तो जब तक इसका मजा लो। बोलो तो सही है, एक्सप्रेस तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अब हम अपने स्टेशन से निकल चुके हैं घर के लिए, तो घर पे पहुंचने के बाद जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो डिवीज़न में जाके मिलेंगे। तो अभी फाइनली वो डॉक्यूमेंट्स मिले नहीं है, वरना मैं आपको शो करता। अब नई जो जॉब में जाने का जो भी सफ़र होगा वो नई वीडियो में दिखाएंगे, तो उसको देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन कमेंट करके मुझे बताएं, उसका जवाब मैं जैसे ही देखूंगा मैं जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।